यह 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। तो देखिए फिर से 17/7 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यह पहले से ही यहां है, x यहां पर है, x को अकेला छोड़ना है तो x के साथ वाली जो रकम है उसको उधर ले जाएंगे। ये हमारे पास है 3/7, ये x के साथ प्लस हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये x के साथ प्लस हो रहा था। हमने कहा था बराबर को जब भी साइन क्रॉस चीज क्रॉस करेगी, पद कोई भी क्रॉस करेगा तो उसका निशान बदल जाएगा। ये 3/7 x के साथ प्लस हो रहा था तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब इसे हम कैसे हल करते हैं, जैसे हमने भिन्नों को प्लस या माइनस करना होता है। 7 और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 7, 7 को 7 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 17 से गुना किया 17, माइनस 7 को 7 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 3 से भाग किया 3। तो ये हमारे पास बन गया 17 में से 3 निकाले 14, नीचे क्या बच गया हमारे पास 7। क्या ये आपस में कट सकते हैं, देखिए ये है 14/7, अगर 7 के पहाड़े में देखें तो ये कट जाएगा 7 × 14। इसका मतलब हमारे पास x कितना आ गया, देखिए 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो यही x का मान है, हमने समीकरण को हल कर दिया है। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यह है 6x, 6x का मतलब होता है 6 × x। यदि किसी भी चर और एक संख्या के बीच में कोई भी निशान नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, इसका मतलब वो उस चर के साथ गुना हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 6x का मतलब होता है 6 × x, ये बराबर है 12 के। तो x कितना आ गया, हमने x को अकेला छोड़ना है, x का मान निकालने के लिए x को अकेला छोड़ना है, यह है 12। 6x के साथ गुना हो रहा था तो उधर जाके क्या होगा, गुना का उल्टा होता है भाग, तो 6 जहां वहां जाके हो जाएगा भाग। तो 6 12 पर कट जाएगा, 6 × 12, तो ये कितना आ गया 2। इसका मतलब x कितना आ गया है 2। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों में हम x को अकेला छोड़ेंगे या x, y, z जो भी चर है उसे अकेला छोड़ेंगे और उसका मान निकालेंगे। थैंक यू।